लंबे समय से राजनीति में काम कर रहा हूं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से और प्रचारक के नाते, भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री के नाते, और विगत लगभग 4 वर्ष से पार्टी ने मुझे मुख्यमंत्री के रूप में देवभूमि उत्तराखंड में सेवा करने का मौका दिया। ये मेरा परम सौभाग्य रहा है और मैं कहूं कि मेरे जीवन का ये स्वर्णिम अवसर मेरी पार्टी ने मुझे दिया। एक छोटे से गांव में, जहां आज भी 7-8 परिवार रहते हैं, उस गांव में मैंने जन्म लिया, एक सैनिक के परिवार में जन्म लिया, और पिताजी पूर्व सैनिक थे। कभी कल्पना भी नहीं की थी कि पार्टी मुझे इतना बड़ा सम्मान देगी, सोच भी नहीं सकता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ही ये संभव था। एक छोटे से गांव के, एक छोटे से अति साधारण परिवार के एक पार्टी के कार्यकर्ता को पार्टी ने इतना बड़ा सम्मान दिया और 4 साल मुझे सेवा करने का मौका दिया। पार्टी ने विचार किया और संयुक्त रूप से, सामूहिक रूप से ये निर्णय लिया कि मुझे अब किसी और को ये मौका देना चाहिए। 4 वर्ष में, आज कितना तारीख है, आज 9 दिन कम रह गए 4 वर्ष पूरा होने में, तो ये इतना मौका मुझे दिया है। मैं प्रदेशवासियों का भी बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, विशेषकर जो हमने स्वरोजगार के क्षेत्र में महिलाओं के उत्थान के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए, किसानों के लिए, तमाम जो हमने यहाँ पर नए नए कार्यक्रम दिए, ये 4 वर्ष का मौका अगर पार्टी मुझे नहीं देती तो इन योजनाओं को मैं नहीं ला सकता था। महिलाओं का पति की पैतृक संपत्ति में खातेदार के रूप में उनकी हिस्सेदारी, और एक घसियारी कल्याण योजना, मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना, जो उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य के लिए एक अति संवेदनशील पहल है सरकार की। अब जिनको भी कल दायित्व मिलेगा वो उसका निर्वहन करेंगे, मेरी उनके लिए बहुत शुभकामनाएं हैं। और मैं अभी माननीय राज्यपाल को अपना त्याग पत्र सौंप करके आ गया हूँ। धन्यवाद। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कोई भी फैसले होते हैं तो वो सामूहिक विचार के बाद ही होते हैं। आज अध्यक्ष जी से मत करिए, आप अध्यक्ष जी को आप फिर मौका देंगे। कल पार्टी मुख्यालय पर 10 बजे पार्टी विधानमंडल दल की बैठक है, सभी विधायक उसमें कल रहेंगे। देखिए ऐसा है, मैंने कहा कि ये सामूहिक निर्णय होता है और इसका बहुत अच्छा जवाब आपको दिल्ली जाना पड़ेगा उसके लिए। धन्यवाद आप लोगों के सहयोग के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद।